जी आपको सॉल्व करने आता है। मैंने इसका 4 LM पहले देखा था, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर। अब देखो आप प्लस का 2 LM है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 4 LM है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस कर दो जल्दी से, 4 LM में से 2 LM गया, कितना बचेंगे? 2 LM बच जाएंगे। अब साइन कैसे लगाओगे? जो ही बड़े पे जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर लग जाएगा। तो बड़े पे साइन कैसा है? माइनस का है भैया जी, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, सिंपल सी बात है। देखो पहले क्या था और अब देखो लास्ट में क्या बन गया। अब आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं। तो आपको एक चीज देखने पर चल रहा है कि यहाँ पर था प्लस का 2 M, ठीक है, प्लस का 2 LM था, यहाँ पर क्या बन गया आपका? माइनस का 2 LM। तो यहाँ पर आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, माइनस का 2 AB माइनस का 2 LM, ठीक है। यानी कि आप लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ जी, यानी कि L को मान लो आप A, A छोटे में L और B छोटे में मान लोगे आप लोग कितना? M, ठीक है। कितना मानेंगे आप लोग? M मानेंगे। यानी कि इसकी जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं? L माइनस M का होल स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, आगे बात समझ में उतार लो जल्दी से, तुरंत 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ मैं, तुरंत से। पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आई थिंक एक लाइन का क्वेश्चन था सिर्फ, ठीक है, दो तीन लाइन का सिर्फ क्वेश्चन था ये, ठीक है। उतारिए, यहाँ पर पता चला ना क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कुछ बुझा रहा है यहाँ पर? क्या कर रहा है? बुझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर क्या है, कौन सी लैंग्वेज चल रही है? देखो यहाँ पर एल माइनस का एम स्क्वायर, जैसे खोलेंगे आप लोग क्या बन जाएगा आपका? सेम यही बन जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर माइनस में 2 LM, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए लास्ट का एक क्वेश्चन शेष बच गया है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे इंटरेस्टिंग सिलेक्शन सेशन, ठीक है, जिसमें बातें करेंगे सबसे। यहाँ पर कोई बातें नहीं कर पा रहा आप सभी से, ठीक है। वो वर्टिकल लाइव सेशन होगा जिसमें आने वाला काफ़ी ज़्यादा मज़ा, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। कर दे, रफ कर दे इसको, उतार लेगा आप लोगों ने, रफ करते हैं बिकॉज मुझे जल्दी से इसको एंड भी करना है। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस लाइव में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, और अब नेक्स्ट लाइव जब भी होगा ना उसमें देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इस तरीके से, ठीक है। ओके चलिए, बाय द वे मैंने 1 शॉट ही करवाया इसको, मैंने कोई वैसा नहीं रखा। तो अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है। मुझे पता लाइव में ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, बट रिकॉर्डेड वीडियो बहुत से लोग देखने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा जोश से पूरा होश से पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, आप सभी को। आपको डाउट नहीं होने वाला बिल्कुल भी। a² b² प्लस में b की पावर 4, तो ये आपका क्वेश्चन देखा है 8वां, और 8वां क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ जी भैया, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कैसे बताइए ज़रा। तो देखिए यहाँ पर कैसे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको सिंपल सा एक दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दिमाग? आप लोग 2ab² 2a² b² क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर आपको 2a² b² लास्ट में एक और ट्रिक आपको बताने वाला, कैसे कुछ करना है, ठीक है, वो अंत बताने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसको इस तरीके से फैक्टर करना है कि a² b² a² b² बिकॉज 8 करने के बाद कितना आ जाएगा? 2a² b² ही आ जाएगा। ओके, तो आप इसको इस तरीके से कुछ फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है करने का। ओके, ये बात याद रखिए आप लोग। अब देखो आपको डाउट हो रहा होगा कि भैया गुणा करने पर तो आपको जो बताया था लास्ट वाले वो वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, देखो कैसे वेरीफाई होगा। मैंने वहाँ पर क्या सिखाया था आपको कि जो पहला नंबर है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a की पावर 4 को आप लोग b की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको गुणा करने के बाद भी आपका सेम यही आने वाला है। कैसे? यहाँ पर 1 की पावर कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 1 की पावर 2 है। 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 मिलकर क्या बनते हैं? 1 की पावर 4 बनता है, ठीक है। b की पावर 2 मिलकर क्या बनता है? b की पावर 4 बनता है। देखो सेम सेम आगे ना, देखो आगे खोल के देखो, सेम सेम आ रहा है ना? हाँ जी, सेम सेम आ रहा है बिल्कुल, यही कहा था वेरीफाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 की पावर 2 b की पावर 2 प्लस में 1 की पावर 2 b की पावर 2 प्लस में b की पावर 4। अब इसका और इसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो भी चीज़ कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। यानी कि 1 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 1 की पावर 2 यहाँ पर भी है, तो 1 की पावर 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या शेष बच गया आपका? 1 की पावर 2 बच गया, तो छोड़ देंगे अंदर। यहाँ पर क्या शेष बच गया आपका? b की पावर 2 बच गया है। ओके, तो रहने देंगे इसको। 1 की पावर 2 यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर 1 की पावर 2 है क्या? नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर 1 की पावर 2 कॉमन नहीं आ पाएगा। तो क्या कॉमन आएगा भैया जी? b की पावर 2 आएगा ना फिर, तो प्लस का b की पावर 2 कॉमन ले लो, सिंपल सी बात है। 1 की पावर 2 प्लस में यहाँ पर क्या शेष बच गया? b की पावर 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, इट मीन्स वेरीफाई हो गया, ठीक है। a² प्लस में b², ओके, और यहाँ पर क्या बच गया? a² प्लस में b², ठीक है। अब दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, दोनों जुड़े भाई एक जैसे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग? a² प्लस में b² का होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ जी, a² प्लस में b² का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। और फटाफट से उतार लो तुरंत से पहले, ठीक है, जल्दी से।
20 सेकंड में उतर जाना चाहिए। बिल्कुल।